हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आर्टिकल को टीच किया गया, ए एन दा तीनों आर्टिकल क्लियर तरीके से बता दिए गए थे, ए एन को अलग तरीके से और दा को अलग तरीके से। आज हम ऐसी स्थिति का अध्ययन करेंगे जहां पर आर्टिकल लगाया ही नहीं जाता है, यानी कि ए एन दा उनमें से कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं वहाँ पर हमको ए या एन में से या द कोई भी नहीं लगाना होता है। पहला है बिफोर नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आता है तो हम उससे पहले ए एन द उसमें से कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे द मनोज इज गोइंग टू आगरा तो ये गलत हो गया, ए मनोज इज गोइंग टू आगरा तो भी गलत हो गया। इसका मतलब हम मनोज से पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, एक पॉइंट के लिए। दूसरा है बिफोर नाउन यूज्ड फॉर रेस, ऐसा नाउन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, ऐसा जानवर जो पूरी रेस की बात करे, पूरी जाति की बात करे, रेस मीन्स यहां जाति से है, समुदाय से, तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैन इज मॉर्टल यानी आदमी मरणशील है, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मरता नहीं है इस संसार में, इसलिए यहाँ पर द मैन नहीं कर सकते और आपका ए मैन भी नहीं कर सकते। यानी कि मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, वुमेन इज मैंस मेट, महिला आदमी की संगनी होती है, इससे पहले भी हम ए एन दा नहीं लगा सकते। तीसरा आपका पॉइंट देखिए बिफोर नेम ऑफ फूड आइटम, जैसे आपका कोई भोजन का नाम है, जैसे पनीर है, चीज़ है और पनीर है आपका, और कोई भी भोजन का नाम हो, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, आप किसी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। ये आपका फोर्थ पॉइंट है बिफोर मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन में आपका धातुवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं, आयरन है, गोल्ड है और सिल्वर है और लिक्विड भी आ जाते हैं, लिक्विड में आपका था वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, इस प्रकार की चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, उनसे पहले भी हमको दा नहीं लगाना होता है। बचपन में हमने बहुत सारा प्रयोग किया है, जैसे कि आपका द मिल्क, माय मदर इज ड्रिंकिंग द मिल्क, लेकिन ऐसा नहीं होना था, वहाँ दा का प्रयोग नहीं होना था। इसका मतलब लिक्विड से पहले और मेटल से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आगे आते हैं बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका जो लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, अंदर उपजने वाला भाव, जैसे कि ईमानदारी, ठीक, गरीबी, तो ऐसी जो चीज़ होती है उससे पहले भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ जो ऑनेस्टी है वो ईमानदारी है, तो वहाँ दा का प्रयोग नहीं करना है। अब आते हैं बात बिफोर नेम ऑफ गेम, किसी गेम से पहले भी नहीं लगाना है। जैसे गेम का नाम है आपका हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, ए क्रिकेट, ओके, तो गेम से पहले भी नहीं लगाना। अब उत्तर आता है आफ्टर वर्ब्स, ये जो वर्ब्स हैं इनके पास इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो नाउन आएगा उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे ही इलेक्टेड हिम अ कैप्टन, गलत हो गया, ही इलेक्टेड हिम कैप्टन सही हो गया, यानी कि हमको आर्टिकल नहीं लगाना है, इन वर्ब्स के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब आता है अगला पॉइंट है बिफोर नेम ऑफ डिसीज, कोई भी बीमारी है, मलेरिया है, हैजा है, ओके, डिसेंट्री है जिसे पेचिस कहा जाता है, फीवर है, उससे पहले भी दा नहीं लगाएंगे। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर, गलत हो गया, फीवर सही हो गया, ओके। आगे आ जाइए बिफोर रिलेशन, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, द फादर नहीं लिखेंगे। जैसे फादर इज कमिंग तो सही है, द फादर इज कमिंग रॉन्ग होता है। बिफोर स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड और प्रिजन और कोर्ट और होम, यानी कि इनसे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं जब इनको कॉमन रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल तो सही है, माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल गलत हो गया।
आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल तो गलत है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल सही है। अब आ जाइए इन फ्रेजेज, इन फ्रेजेज में भी हमको आर्टिकल नहीं लगाना होता, जैसे लास्ट वीक, ठीक है, माई फ्रेंड केम टू माई हाउस, द लास्ट वीक तो गलत हो गया। ऐसे ही लास्ट ईयर ऑन ड्यूटी, माई फादर इज ऑन द ड्यूटी, तो वो गलत होगा। इसी प्रकार आप समझ लीजिए कि किसी भी फ्रेज में, जैसे यहाँ बाई ट्रेन है तो बाई बस भी हो सकता है, बाई एयर भी हो सकता है, यानी कि कोई भी फ्रेज हो सकता है। टू लॉस हार्ट, टू लॉस द हार्ट तो गलत हो जाएगा, एट द नाइट तो गलत हो जाएगा, इन द हैंड तो गलत हो जाएगा, ऑन द ड्यूटी तो गलत हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में आपको ना तो ए लगाना है, ना एन लगाना है और ना द लगाना है। और अगर लगाना है तो फिर कुछ कंडीशंस होंगी वहाँ लगाएंगे, अन्यथा हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ आर्टिकल समाप्त होता है और फिर अगले चैप्टर पर अगले बार अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स, वेलकम टू MRK स्टडी अगेन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ओके.